चप्पल पहनो। पटाखे फोड़ो। अरे कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। कौन हो तुम? मैं हूँ पहलवान। तो फिर वो कौन है? हा? वो मेरा असिस्टेंट है। तो उस माला को इधर पहनो फिर। अरे फिर माला दे दो वापस असिस्टेंट। अरे ये क्या, पहनने से बीमार खाता हूँ और उतारने पर भी। अरे यही पहलवान लोगों का रवैया है, तुम उधर पहनाओ ना। पटाखे फोड़ो। खत्म हो गया पहलवान। कौन है तुम? मेरा नाम दमयंती है। पहलवान जी आपका नाम क्या है? उड़मैली उडम अपच्चम। उड़मैली पुदम अल्पसंख्या। अरे चुप रहो बेवकूफ, नाम से पता नहीं चल रहा है क्या? बड़ा पहलवान। आप उस्ताद पहलवान हो ना? तुम कौन हो? मैं यहाँ के ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। वो क्या होता है? अच्छे से बोला जाए तो यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मनोहर भाई इंग्लिश में बोले होंगे। इंग्लिश में बोला तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोच रहा है क्या? सुनिए पहलवान जी, मौत के मुंह में जाकर बचकर वापस आया है, छोड़ दो। तो फिर इसको वहीं जाने दो। दोबारा मौत को बुलावा मत देना, मुझे भूख लगी है वैसे भी। एक काम करते हैं, आप इसे अपने घर ले जाओ। अरे बाप रे, मेरे घर चलेगा? हाँ। हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं, अंदर बैठ। ए बुड्ढी, मारपीट नहीं, पहलवान पहलवान। मैं पहलवान बोला तो कुश्ती करने यही वाला। है क्या तुम्हारे पैसे चुकाने वाला बर्फुदार? सब बाद में, पहले इस अपच्चन को फूड दे दो। माँ फूड बोला तो खाना खाना। मुझे मेन्यू कार्ड देखना। पैसा नहीं चाहिए, हमारे अपने कुश्ती वाले को थोड़ा सा बासी गंजी पिलाने से कोई पैसा लेना जरूरी है क्या? बासी गंजी मेरा कुत्ता पिएगा, ए समझा इसको। तो क्या पिलाऊं असिस्टेंट? ए चल मैं जाता हूँ। चलो बासी गंजी पीते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम होटल में अच्छा फूड खाएंगे। नहीं, मुझे होमली फूड पसंद है। लेकिन नहीं चाहिए, अच्छा फूड होटल से खरीद लाता हूँ ना। नहीं, मुझे बासी गंजी ही पीनी है। ये तो बासी गंजी है। बासी गंजी, ताजा गंजी सब अच्छी है, बासी गंजी कुश्ती के लिए और भी अच्छी है। मुझे तो बासी कुछ, पीनी कुछ है। भी नहीं, मैं होटल से खरीद कर देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बासी गंजी ही पीनी है। चलो चलो, मुझे बासी गंजी ही पीनी है। मैं भी साथ में जाकर चिकन बिरयानी खाता हूँ। ये है अपच्चन। किसका? किसका नहीं, नाम है इसका, कुश्ती का पहलवान है ये। नीलकंठ का उधार चुकाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको लाया हूँ। ये इस गांव का नहीं है, दूसरे गांव से आया है। यहाँ लेकर क्यों आए हो? यहाँ ठहरने के लिए, कहीं और इतनी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ ठहरा तो और भी अच्छा होगा, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, व्यायाम के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हारे बोलने से मना तो नहीं कर सकता ना। फिर भी एक बार मेरे बेटे की राय जान लेता हूँ। दुष्यंत, क्या हुआ बोलिए। बेटा हाँ, ये पच्चन है, पहलवान है। हाँ। यहाँ ये कुश्ती करे या कुछ भी करे, बस मेरी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बस देखने में ऐसा लगता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। वो हमारे पहलवान है ना, इलेक्ट्रिक छोटे मामा, उनका ये छोटा लड़का है। ओ, ऐसा है क्या? उस आदमी की कुश्ती तो मैंने देखी है, कितना बड़ा शरीर था उसका। शरीर का सेहत धर्म का पालन करने जैसा है ना। मैं अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कितने तंदुरुस्त थे। जिंदगी में दो दो बार गोल मारे हैं उन्होंने, तीसरी बार भूल गए। देखना फिर भी मैं उनके नाम को बरकरार रखूंगा। और क्या करोगे? उनका नाम रोशन करूंगा। पता, ये कोई साधारण पहलवान नहीं है, ये थोड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक भी है। तुझे एक अच्छा साथी भी मिलेगा। पिताजी, अच्छा एक बात बताइए, ये साहित्य का कुश्ती से क्या लेना देना? तुम अपना मजाक बंद करो, पहलवान होने की वजह से साहित्य में और कला में ज्ञान नहीं है, ऐसा मत सोचो। 5 या 10 दिन यहाँ ठहर जाने दो। अरे रहने दो। हाँ। तुम इसे खुद के घर जैसा समझना। हाँ बिल्कुल, अपने घर जैसा ही समझूंगा, आखिरकार यहाँ के सब मेरे अपने ही तो हैं। बदलने के लिए कोई दूसरा ड्रेस लेकर नहीं आए क्या? मैं सोते वक्त कुछ नहीं पहनता हूँ, मसल्स के लिए वो अच्छा रहता है ना। मैं चलता हूँ। कोई नहीं है क्या? अरे कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? 2 साल पहले की बात को याद करो जरा। मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो ना। सहारा बैंक का मैनेजर याद है ना? हाँ, रामेंद्र नायर, मोटा और लंबा था वो आदमी। हाँ, वही मैनेजर हूँ मैं। हा? अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हाँ? 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें लोन दिया था, तब इसकी तरह बहुत हट्टा कट्टा था मैं।
तुमने लोन नहीं चुकाया, उसकी टेंशन में मैं चक्कर काट काट कर ऐसा हो गया। देखो तुम्हारी तकलीफ को देख कर ही मैंने पैसा दिया था, तुम्हें याद तो है ना? चुकाने में कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे एक और मौका दे दो ना। एक और मौका? हाँ, एक और मौका दिया तो मैं पूरा का पूरा ही खत्म हो जाऊंगा इस बार। अभी मेरे उधार को चुकाने को लेकर कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है, वो पैसा आते ही मैं बैंक का उधार चुका दूंगा। तब तक इंतजार मैं नहीं करूंगा। कल तुम उस ब्याज का 6,000 रुपए नहीं भरे तो ये घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लूंगा। हाँ, अगर कल ही बैंक का पैसा भरना है तो मुझे आपको एक और लोन देना पड़ेगा। एक और लोन? डकैती डालो, तुम्हें लोन के पैसे चाहिए ना? तुम मुझे डकैत फरमाओगे? देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा ये घर कल जब्त हो जाएगा। हाँ चलो। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? इस पैसे को चुकाने के लिए